हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। वेलकम टू डीज कुकिंग। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दही वाले बैंगन। और ये रेसिपी बहुत मुनफरिद है, बहुत मज़े की है। मैंने कई दफ़ा ट्राई की है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई है, साथ ही मेरी फैमिली को भी। तो चलें हम लोग ये दही वाले बैंगन बनाना स्टार्ट करते हैं। दही वाले बैंगन बनाने के हमें जो जो चीज़ें चाहिए, यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का बैंगन ले लिया था और उसको जो है वो तकरीबन गोल गोल इस तरीके से पीसेस काट के और थोड़े से पानी में नमक के साथ भिगो दिया है ताकि इसका कलर ख़राब ना हो। अच्छा, मसाले में जो चीज़ें चाहेंगी उसमें यहाँ पर मैंने लिया 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, 1 से 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च है और 1 ही टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च है। मसाले में हम थोड़ा सा तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब दही भी डालेंगे मसाले को भूनते वक्त, और 2 टेबल स्पून ऑयल, क्योंकि दही जो है वो लेयरिंग के वक्त जाएगा। और यहाँ पर जो है ये चीज़ें जो हैं ये बघार के लिए हैं, ये 5 से 6 कड़ी पत्ते हैं, 3-4 जो है लाल मिर्चें हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा है। ये तीनों हम ऑयल के अंदर भगार बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला लिया हुआ है स्प्रिंकल करने के लिए आखिर में बिल्कुल गार्निशिंग के वक्त। इसके अलावा मसाले में हम एक बड़े साइज़ की प्याज बहुत बारीक बारीक मैंने चॉप कर ली है, और 5 से 6 जो है वो गार्लिक क्लोव्स हैं, लहसुन के जवे हैं, उनको भी मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तो चलिए हम मसाला बनाना स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हमने प्याज फ्राई करने के लिए रख दी है, उसके साथ लहसुन भी फ्राई हो रहे हैं। जब तक ये थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन होगी हमारे पास टाइम है कि हम अपने बैंगन को फ्राई कर लें। प्याज और लहसुन जितना हमें पकाना था पक गया है, अब इसके अंदर हम बाकी के सारे मसाले शामिल कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून दही भी मिला लेंगे। और बस इस मसाले को खूब अच्छी तरीके से भूनना है, बीच में थोड़ा सा पानी भी डालेंगे हम, और इसको एक सालन का जैसा शक्ल का तक आने तक हम इसको पकाएंगे और भूनते रहेंगे। हमारा मसाला अच्छी तरह भुन रहा है और पक रहा है, इतनी देर के लिए हम जो है वो बघार तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे सारे बैंगन भी फ्राई हो गए हैं दोनों तरफ से अच्छी तरीके से। यहाँ पे मसाला बिल्कुल तैयार है, अब हम मसाले की, बैंगन की और दही की लेयर लगाएंगे और सबसे आखिर में भगार डाल के चाट मसाले से इसको गार्निशिंग कर देंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, तो आप इसको प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फीडबैक से भी आगाह कीजिएगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।